नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यह कोई छोटी बात नहीं है कि भतीजे की हत्या उसके चाचा ने एक बहस पर की थी। यह घटना मुर्शिदाबाद जिले के सुती पुलिस थाने के तहत बाजितपुर में बुधवार सुबह हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सोहेल शेख के रूप में हुई है। इस मामले में चाचा रकीब शेख को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों के मुताबिक शौचालय के पास मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने को लेकर बुधवार सुबह चाचा भतीजे के परिवार के बीच विवाद हो गया। मुसीबत में एक बिंदु पर हाथापाई हुई। आरोप है कि चाचा ने अपने भतीजे को थप्पड़ मार दिया। उनके भतीजे सोहेल शेख की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर सुती पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फरार चाचा की तलाश में तलाश भी शुरू की गई। कुछ ही घंटों में चाचा को सुती थाना के चंदर मोड़ टोल टैक्स इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच चाचा द्वारा भतीजे की हत्या से इलाके में काफी कोहराम मचा हुआ है। গাল গালি করতে দিয়া কে কে গাল দিছিল মুখ খুবই খারাপ কে গাল দিছিল নাম বলো রাকি বলছে ওটা কে হয় আপনার আমার ভাই আচ্ছা আমি বলছি কে এরকম করে গাল গালি করবি তোর যদি ভাগনাই উড়াই কি তোর ভাগনি যদি উড়িয়ে দেয় তো তুই এরকম করে গাল গালি করবি না তো হ্যাঁ গাল গালি হ্যাঁ তুই তুই ই বুদ্ধি নাই তোর তুই চোখে ই শিল্প নেই না তো না আমার চোখে শিল্প দিয়ে এরকম করে আমার স্বামী এলো দে আমার স্বামীকে বলছি কে দে এরকম এরকম করে গালাগালি দেওয়া গেল তো বললার চাকটাকে কে বলে উড়িয়ে দিয়েছে সে লেগে গালাগালি করে গেল আমার স্বামী কহতে বলতে গেছে বলতে যে ওখানে এলো রেনি দেখিয়ে আর মুরগি কাটা হেসে লিয়ে আমার স্বামীকে এক চোপ আমার মেয়েকে এক চোপ আমার ছেলেকে এক কজন আহত হয়েছে তিনজন কে মারা গেছে আমার ছেলে আপনার ছেলে সোহেল আচ্ছা তার বয়স কত ১৬ বছর